Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो start करते हैं हमारा civics का chapter number 1 जिसका नाम है understanding diversity. So हमें इस chapter में diversity को समझना है. Diversity होती क्या है? पहले इसको समझ लेते हैं. Diversity विभिन्नता होती है. विभिन्नता का मतलब क्या होता है? Suppose आप और आपकी कोई sibling है, आपके कोई brother या sister है. क्या आप दोनों को एक जैसे colors पसंद है? नहीं. आपके फेवरेट फूड्स एक है? नहीं. कुछ ना कुछ असमानता है ना. मे बी आपको गोभी पसंद हो और उसे करेला पसंद हो, तो ये क्या है, एक दूसरे के अंदर थोड़ी सी चेंजेस है. बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो बिल्कुल कम्प्लीटली एक अलग इंसान, एक अलग ग्रह से आया हुआ व्यक्ति है. नहीं, ऐसा तो नहीं होता. वो क्या है, वो डाइवर्स है, वो आपसे विभिन्न है. बस यही है डाइवर्सिटी, कि हम सभी, आप हो, मैं हूँ, हम सब में वो जो छोटी छोटी डिफरेंसेस है ना, इसे ही डाइवर्सिटी का नाम दिया जाता है. ठीक है. सो डाइवर्सिटी यही है कि हमारे पहनावे में, उड़ावे में, या फिर हमारे चेहरे पे जो भी असमानता या फिर आपको देख रही है, चाहे हमारे काम करने में जो भी असमानता है दिख रही है, वो डाइवर्सिटी है. और ये जो डाइवर्सिटी है ना, वो हमें एक अच्छा, एक बहुत प्यारा वातावरण देती है. और वो कैसे, अच्छा समझो, अगर आपको रोज रोज, क्योंकि आपको गोभी पसंद है, तो रोज रोज अगर आपको गोभी खाना पड़े कैसा लगेगा? एक ऐसा पल आएगा जब आपको अब नहीं खाना. और अगर आपके भाई को करेला पसंद, तो एक दिन गोभी, एक दिन करेला. और जब गोभी बनती होगी उस दिन आप एक्साइटेड होते होंगे. सो एक्साइटमेंट भी ये डाइवर्सिटी पैदा करता है, ताकि लोग क्या कर सके, अपनी चीजों को एंजॉय कर सके. सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे. तो आइए चलिए पहले समझते हैं कि इस चैप्टर के टॉपिक्स क्या क्या हैं और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक इज मेकिंग फ्रेंड्स. हम और आप फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं वो समझेंगे, कि फ्रेंडशिप ऐसे होती है, हम ये देखते कह रहे हैं ये मेरी तरह है, मैं इसके साथ बात करना स्टार्ट करूं. या फिर मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है अभी के टाइम पे, सो शी वाज, मतलब वो मेरे पास आके बैठ गई. पहले नहीं पसंद थी वो मुझे, बट वो मेरे पास आके बैठी और हमने बातें करना स्टार्ट किया. और वो दिन है और आज का दिन है, वी स्टिल टॉक सो मच. हम इतनी बातें करते हैं कि बस क्या ही कहें. तो फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं वो समझेंगे हम इस टॉपिक में. फिर हम बात करेंगे लेट्स लुक अराउंड अस, और उसके बाद हम देखेंगे अपने चारों तरफ कि लोग कैसे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं. फिर हम बात करेंगे चारों तरफ, यानी आपके क्लास के बाकी के लोगों के बारे में बात होगी, कि वो कैसे दिखते हैं, किस जगह से आते हैं, उनके यहाँ की कहानियां कैसे होती है, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे. फिर हम बात करेंगे व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स. अभी हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, आपके और आपके भाई का एग्जाम्पल, दैट यू लाइक गोभी, आपका भाई करेला. और दोनों की वजह से क्या हो रहा है, दोनों के एक एक दिन बनने की वजह से क्या हो रहा है, एक चेंज हो रहा है ना. तो डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या चेंज लाती है वो समझेंगे और अच्छे तरीके से. ओके. फिर हम बात करेंगे हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. अब एग्जाम्पल के थ्रू तो हमने बता दिया कि डाइवर्सिटी ये है कि आपके पसंद की चीज और किसी और के पसंद की चीज डिफरेंट है. लेकिन इसे अगर हमें किताब से लिखना हो, अगर हमें इसे एग्जाम में लिखना हो, तो वो कैसे लिखना है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और दो एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे. पहला लद्दाख एंड दूसरा केरला, दोनों ही हमारे इंडिया के सबसे डिस्टेंट पॉइंट पे, यानी एक नॉर्थन, यस, एक नॉर्थन डायरेक्शन में, एक नॉर्थन साइड ऑफ इंडिया है, बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का. वही दूसरा सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का, दैट इज केरला. फिर हम समझेंगे कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो कैसे इसे एकजुट रखती है, कैसे इसे बांधे रखती है, और इसी के अंदर हमें कितना मजा आता है. सो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, हमारे चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के अंदर. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. तो फटाफट से हम दूसरे वीडियो पे चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे मेकिंग अ फ्रेंड, और उसके अंदर हम एक स्टोरी सुनेंगे. समीर की कहानी है और स्टोरी में क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे. सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस. बाय.